वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। तो कृति का डिनर हो गया? अभी वो क्या करेगी? से गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। Hey guys, welcome back to my channel. और आज है Wednesday 1 o'clock से मैं अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो बताइए कैसे है आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई नो कि ये सवाल आप लोगों का भी है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली कल ना मेरा मतलब मन ठीक नहीं था और क्या होता है ना कि कोल्ड और कफ, आप लोगों को तो पता ही है मुझे कोल्ड था कफ था, तो इससे ना क्या होता है ना मुंह का टेस्ट चला जाता है तो आप कुछ खा नहीं सकते हो, और जब आप कुछ खा नहीं सकते हो तो आपकी बॉडी से एनर्जी कहाँ से आएगी, और जब आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करोगे। तो वही हुआ था मेरे साथ। तो मेरा भी कुछ मन ठीक नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा मतलब मेरा ब्लॉगिंग ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने कल खाना अच्छे से बनाया ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या दिखाती हूँ। तो इसीलिए कल का ब्लॉगिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग शेयर करने के लिए क्योंकि मेरा भी ना मन अच्छा नहीं लग रहा था अपना बिना आप लोगों से बात किए हुए। तो मैं बनाऊंगी अभी पराठा और कुछ ग्रेवी टाइप का सब्जी जो कि मेरी बेटी भी खा ले क्योंकि उसको भी देख रही हूँ 2-3 दिनों से ना राइस खाने का मन नहीं कर रहा। ये वेदर ऐसा है ना कि राइस खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन क्लाउडी तो हमेशा ही है। सन थोड़ा बहुत था आज मॉर्निंग के टाइम, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल मतलब क्लाउडी, अभी तो क्लाउडी हो गया है। और वही अभी मैं ग्रेवी कुछ बनाऊंगी तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और आज मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल मेरी सासू माँ का एक स्पेशल रेसिपी, क्योंकि मैं जब पहली मतलब मेरे सासू माँ मेरे साथ आए थे मेरे शादी के बाद बैंगलोर में, मतलब बैंगलोर में जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मेरे साथ आए थे। तो उस टाइम में ना क्या होता था कि मुझे इतना खाना बनाना आता नहीं था तो मेरे सासू माँ खाना बनाते थे, तो उसने मतलब उन्होंने उस टाइम मुझे एक रेसिपी सिखाई थी आलू का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके घर में कुछ ना हो, सब्जी ना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे, तो वही मैं आज बनाऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए आलू मतलब पोटैटो और ऑनियन। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का ऑनियन मेरा था और पोटैटो था, मैंने 2 पोटैटो लिया और एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया क्योंकि आज वेनसडे है, मुझे वेजिटेबल लाने जाना है और कॉलीफ्लावर ऑलरेडी मैंने कल बनाया था तो आज भी बनाऊंगी तो मेरी बेटी तो खाई नहीं, तो इसलिए आज मैं ये सब्जी बनाऊंगी, मेरा बहुत फेवरेट है और वो मैं आज बनाऊंगी पराठे के साथ। वो पराठा रोटी मुझे ज़्यादातर पराठे के साथ अच्छा लगता है क्योंकि वो एकदम ड्राई ड्राई नहीं होता है, थोड़ा बहुत ग्रेवी टाइप का होता है और टेस्टी भी होता है। और यहाँ इसमें मैं यूज़ करूँगी जो ग्रीन चिली होता है, ग्रीन चिली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, और रात को कुछ भी वेजिटेबल मैं आज तो वेनसडे है मैं लेके आऊँगी तो वो मैं फ्राई कर दूँगी, तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद एक एक करके 5 फड़ंग ग्रीन चिली बे लीव्स ऐड करूँगी और उसको अच्छे से
फ्राई कर लूँगी। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, क्योंकि हल्दी से सब्जी का कलर जो है अच्छा आता है अगर आप तेल में डालो तो। उसके बाद मैं ऑनियन और पटेटो को इसमें ऐड करूँगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे ऑनियन और पटेटो जैसे मैंने कट किया है ना, इसी तरह से कट कीजिएगा तो आपका कुकिंग में टाइम बहुत कम लगेगा, ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है इसी तरह से अगर आप कट करोगे तो। और उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, जितना सॉल्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिए और उसके बाद उसको फिर से थोड़ा बहुत हिला लीजिए। देखिए मेरा ऑनियन और पटेटो जो है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कम पानी में ये बॉयल हो जाएगा। और 5 से 10 मिनट इसको गैस के ऊपर लो फ्लेम में रखना है ढक के, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये जो सब्जी है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ अभी मेरे पास नहीं था टमाटर, अगर टमाटर एक डाल देती ना तो और भी अच्छा बन जाता। और इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ हल्दी और नमक रहता है और कुछ नहीं रहता है इसमें। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाला था, अगर आप लाल मिर्च डालोगे तो इसका कलर थोड़ा रेडिश टाइप का आता है। कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डाला नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया। और मैं आज लूंगी थोड़ा सा अचार, आम का अचार, क्योंकि मुंह की जो टेस्ट है ना उसको वापस लाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा अचार। ये अचार का जो मसाला होता है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बचपन में ना मेरी दीदी थी तो समर वेकेशन के टाइम में वो आती थी हमारे घर, तो वो ना ये सारे मसाले लेते थे, इकट्ठा करते थे इतना सारा मसाला अचार का, और वो ना उसको चीनी के साथ मिक्स करके खाते थे। पता नहीं क्या क्या खाते थे हम तब, ये मसाला चीनी के साथ मिक्स करके, आप सोचो कैसा लगेगा, अच्छा लगता था। अभी कुछ दिन पहले मैंने किया था अतनु के सामने, तो अतनु मुझे बोलता है क्या कर रहे हो उल्टा सीधा हरकत। मैंने बोला नहीं मैं खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन में, मेरी दीदी ने मुझे सिखाया था, वो मेरे से बहुत बड़ी है। सच में बहुत बहुत अच्छा। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो धीरे 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 जब मैंने मतलब 3 मंथ्स के बाद मैंने खाना स्टार्ट किया खाना, तो तब ये सब्जी से मतलब स्टार्ट किया था मैंने। ये सब्जी थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, अच्छा लगता था। उसके बाद मतलब रोज इसको ही खाती रही। मैं ये सब्जी खाती थी पराठे के साथ और खाती थी कर्ड राइस। ये दो चीज मेरे मतलब उस टाइम में अच्छा लगता था मुझे प्रेगनेंसी के टाइम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेजिटेबल लाने के लिए वेजिटेबल मार्केट, और अतनु भी ऑफिस से आ गया है, तो चलिए पहले वेजिटेबल लेके आती हूँ फिर बात करते हैं ना। चलो
और अभी हम लोग आ चुके हैं वेजिटेबल का शॉपिंग करके। मैं अभी बना रही हूँ डिनर, क्योंकि वेडनेसडे में क्या होता है ना, मैं वेजिटेबल का शॉपिंग करके आती हूँ, उसके बाद मैं डिनर बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत हड़बड़ी हो ही जाता है मेरा। और मुझे जल्दी बनाना रहता है क्योंकि मेरी बेटी को जल्दी खाना खिला के उसको सुलाना पड़ता है। तो वही मैं आज बना रही हूँ बरबटी की सब्ज़ी, शायद हिंदी में इसको बोरो बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्दी है, बहुत भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन रहता है, तो ये खाना बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं आज बना रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी, फिर मैं मेरी बेटी को खिला दूँगी जल्दी जल्दी, और उसको सुलाने के बाद हम लोग डिनर करेंगे आज। तो कृति का डिनर हो गया? हाँ। अभी वो क्या करेगी? मम्मा पापा की वेट करेगी। मम्मा पापा ने तो अभी डिनर नहीं किया, अभी तुमको सोना पड़ेगा आज, ठीक है? मुझे वेट करना है। वेट करना है? अच्छा, और ब्रश किया? ठीक है, फिर चलो चलो एक घूम कर बे, कैमन चलो घूम कर बे, बाबा एक तो लेट हो बे आज के हमारे, ठीक है? आई अच्छा चलो चलो हम एक साथ सो, चलो। उसने ब्रश कर लिया है और अभी वो सोएगी। Say good night, everyone. Good night. Good night. तो अभी हम लोगों का डिनर हो गया है। एक्चुअली आज वही वेनसडे था, तो मैंने पहले कृति को खिला दिया वेजिटेबल बना के, और मैंने बरबटी बोलते, पता नहीं उसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में, हम लोग बंगाली में बरबटी बोलते हैं उसको, तो उसका सब्जी बनाया था, तो उसको मैंने खिलाया, खाना खा के वो सो गई। फिर हम दोनों ने आज डिनर किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं और लेट नहीं करना चाहती थी उसके लिए, तो मैंने उसको सुला दिया। फिर हम लोगों ने डिनर किया, फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, मेरा वेजिटेबल जो था उसको अच्छे से अरेंज करके फ्रिज में रखा। मैं भी लाइट्स ऑफ करने के लिए आई हूँ, मेरा हॉल भी क्लीन हो गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे आप जो सोफ़ा का कवर था ना, वो मैंने उठाया है, वॉश करने देना है मुझे, तो मैंने उसको उठा दिया है, और मैंने किचन और हॉल पूरा मतलब क्लीन कर लिया है कल के लिए, क्योंकि मेरी मेड सुबह ही आता है ना, तो वो आके क्लीन करेगी, तो सुबह इतना काम नहीं रहेगा, तो वही मैंने क्लीन कर लिया है। अभी मैं लाइट्स ऑफ करके अभी जाऊंगी। मैं अपना नाइट का जितना काम होता है मैंने कर लिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है मैंने, मैं हॉल को भी क्लीन करके रखती हूँ, मतलब पूरा घर जो है ना वो थोड़ा बहुत क्लीन करके रखती हूँ, ताकि सुबह मेरा जब मेड आए तो इतना काम ना रहे। तो मैंने पूरा काम मेरा कर लिया है, और फ्रिज से मैंने फ्रूट्स भी निकाल के रख दिया है, क्योंकि रात को मैं निकाल के रख देती हूँ, सुबह नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें आ जाता है, तो मैं मेरी बेटी को देती हूँ, अतनु भी लेता है। बादाम भी मैंने भिगो दिया है, तो मेरा आज का जो काम है सब मैंने ख़त्म कर लिया है। तो अभी मुझे सोना है, अभी टाइम हो गया है 11 o'clock। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।